इधर साइड भी घर बनना शुरू हो गया है और एक पीछे भी था वो भी बन रहा है। ये देखो गाइस, अभी हम फिर से जा रहे हैं अपने नए घर पे और कल जो काम हुआ था उसमें तलाई करने के लिए जा रहे हैं। अब मतलब पानी छिड़काव करने के लिए बस अभी हम चलते हैं। तुम गाड़ी से ही डर गई हो रहे हैं। यहाँ साइड इतनी मस्त हवा आती है ना, जैसे यहाँ वाह ये सही जुगाड़ है। नहीं आई वैसे ज्यादा आज क्या लगता है सही है। तो होरन भी आई है हमारे साथ में, ये लोग खोल रहे हैं। तो कल हमने ये वाला काम करवाया था तो इसमें हम छिड़काव करने के लिए आए, तलाई करने के लिए। हाँ चलो गंदा नहीं है बेटा, अभी यही सही हो जाएगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं ऊपर छत पे और ये कर रहे हैं यहाँ की तराई। और यहाँ पे होरन खेल रही है, मतलब नीचे उसको बहुत ज्यादा बेकार सा लग रहा था जैसे मैं नीचे से लेकर के आई हूँ, और छत पे यहाँ पे ठीक लग रहा है उसको अभी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है सामान। तो सारा सामान जो है उठा कर रख देती हूँ, इधर रैक में लगा देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी सभी जगह पे सामान फैला हुआ है, ये कुछ कुछ सामान है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या। होरन गिर जाएगा बेटा वो, तुम जाओ। टक 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 टक। तो बस चलो करते हैं थोड़ा सा इसको सेट कर दें बस। ओ चिड़िया। सो गाइस यहाँ पर मैंने ये सारा सामान लगा दिया है और अब देखो ये पूरा मतलब ये रूम है कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, लेकिन ऐसे ही बस कचरा एक साइड इकट्ठा कर दिया है तो उसमें ही क्लीन लगने लगा है। तो ये देखो अब ये थोड़ा सा सेट हो गया है और ये देखो ये कैसे खेल रहे हैं, तो मिट्टी में बड़ा मज़ा आता है बच्चों। लाओ मैं उधर से कर। सो गाइस हम लोग प्लॉट नहीं, नए घर से हम लोग लौट आए और बज रहे हैं शाम के 6। हम पहले ही लौट आए थे और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो टी टाइम हो गया है। तो बस चाय बनने के लिए रख के आई हूँ, साथ में ये दो पापड़ रखे हुए थे तो वो मैंने सेक दिए हैं ऐसे ही, तो इसको दे दिए हैं मैंने होरन को। तो हाँ तो हम लोग आ गए थे जल्दी वहाँ से लौट करके, हम लोग जो है 1:30 बजे करीबन हम लोग वहाँ से लौट के आ गए थे, क्योंकि मैं 11 बजे गई थी तो 1.5-2 घंटे में हम लोग लौट के आए थे वहाँ से। और फिर उसके बाद जो है मैं कपड़े धोने में लग गई थी, तो कपड़े धोकर अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और बज रहे हैं शाम के 6, तो हो गया है टी टाइम। तो बस अभी चाय बनने के लिए रख के आई हूँ और यहाँ पर पापड़ सेक कर आई हूँ। तो ये पैकेट मतलब ख़त्म होने वाला था, सिर्फ 2 ही बाकी रह गए थे, तो फिर इसको भी सेक लिए। तो चाय के संग हो रहे हैं तो सिर्फ तोड़ तोड़ के फेंकती हैं, खाओ उसको तोड़ो नहीं। तो बस अभी चाय बनने के लिए रख के आई हूँ, पापड़ सेक दिए हैं, अब बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं सारे तो वो भी धुलेंगे। और बस चाय बनने के बाद फिर पापा मम्मी को देते हैं। और ऊपर हाँ एक चीज़ और रह गई है कपड़े धुलने में होरन की,
हरन के एक गद्दा है छोटा सा, उसको मैं मशीन में अभी डाल करके आई हूँ तो वो भी धुलेगा। मतलब मुझे इतना टाइम हो गया कपड़े धोते धोते तो, और बस वो धुल जाता है। फिर उसके बाद आज खाने में सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में मम्मी ने भिंडी और दाल बनाई थी, तो भिंडी तो ख़त्म हो गई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई भिंडी, अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। तो दाल रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी मीठे चीले, जो कि पापा को बहुत पसंद है तो इसलिए जो है वो बनाऊँगी आज के खाने में। तो अभी फ़िलहाल पापड़ खाते हैं और ये वेट करें भैया के आने का, क्योंकि भैया के साथ में ये कहीं जाने वाले हैं, तो भाभी भी जाएंगी शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहे कि भैया आने वाले हैं। तो बस अभी हम ये खाते हैं। ये क्या था? दोनों बेटे और पप्पा ने दोनों ने छीन लिया, दो पापड़ थे तो। खैर कोई नहीं, चाय देख कर आती हूँ। हाँ लो, तोड़ तोड़ के नहीं फेंकना, ठीक। बस यहाँ पर बन रही है चाय, खूब अच्छे से बॉईल हो रही है ये। किचन में आप लोगों को लाइट मतलब कम लगेगी, जी हाँ, क्योंकि लाइट कम है ही, और इसमें हमारा जो बड़ा वाला CFL था वो हमने भेज दिया वहाँ हमारे नए घर पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था तो लाइट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भेज दिया। तो अब यहाँ के लिए फिर से लाना पड़ेगा, और अभी एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा हुआ ना। खैर चलो चाय बन रही है। तो बस यहाँ पे अभी चाय अच्छे से बॉयल हो रही है, तो आधा कप मैं भी लूँगी। वैसे मैं गर्मियों में पीती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार चलता है, तो आधा कप मैं भी लूँगी। यहाँ पे मग निकाल लेते हैं। और इस दूध को अच्छे से बॉईल करके दूसरी भगोनी में कर देती हूँ और इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ही दूध बॉईल होगा जो आएगा अभी वो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर भाभी ने सब्ज़ी बना दी है आलू की, और अब मैं बना लेती हूँ चीले। जी हाँ, तो अब मैं गुड़ के चीले बना रही हूँ, क्योंकि सब्जियों की बड़ी दिक्कत है, हरी सब्जियाँ आ रही हैं इतनी ज़्यादा महंगी, और ऊपर से कोई खाता नहीं है, तो सोचती हूँ सुबह के टाइम में हरी सब्जियाँ बन जाया करेंगी और शाम के टाइम में कुछ ऐसा, तो ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हरी सब्जियां किसी को पसंद नहीं, टिंडे कोई खाता नहीं है, लौकी कोई खाता नहीं, तोरई कोई खाता नहीं है, ठीक है, करेले कोई खाता नहीं है, तो फिर क्या ही बनाए सब्जियों में, बैंगन कोई खाता नहीं है, इसलिए शाम के टाइम में कुछ ऐसा। चलो और गुड़ लेना पड़ेगा, और भी लेना पड़ेगा। तो अभी जो है खाने का टाइम हो गया है, 9:15 हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ चीले, तो चीले जो है गर्मा गर्म ही ठीक लगते हैं, तो इसलिए ठीक है, इतना गुड़ काफ़ी है अब तो। तो इसको घोलेंगे पानी में। सो गाइस, यहाँ पर ये बैटर मैंने रेडी कर दिया है, इस टाइप से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। और ये पैन निकाल लिया, ये डोसा तवा है, ठीक है, इसमें हम चीले बनाएंगे। तो इसमें पहले लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ऑयल,
सो गाइज यहाँ सीख रहा है हमारा ये दूसरा चीला। मम्मी ने बोला थोड़ा बड़ा बड़ा बना दो, तो बस बड़ा बने बना दिया है। और यहाँ पर भी ये सीख रहा है। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जा रहे हैं भैया के साथ मार्केट, मतलब इनको ही कुछ काम था, तो इसलिए भैया से इन्होंने बोल दिया था। तो फिर भैया भी आ गए, फिर साथ में बच्चे और बाजी भी आ गए, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो ये था, फिर उसके बाद ये जो है मार्केट गए, वहाँ से सामान वगैरह वापस किया इन्होंने, क्योंकि हमारे नए घर का जो भी सामान एक्स्ट्रा बच गया था लाइट वगैरह का, तो वो सामान हमें चेंज नहीं वापस करना था, तो ये वो काम के लिए गए हुए थे। फिर वहाँ से जब ये लौट करके आए तो फिर बच्चे भी आ गए साथ में और बाजी भी अभी आए हुए थे, तो फिर बैठे बातचीत चीते करी। और फिर उसके बाद जो है अभी जस्ट वो लोग गए हैं, तो खाना वाना खा करके हम लोग हो गए हैं फ्री। तो बस किचन विचन समेटने के बाद में अब जो है मतलब आज का दिन मेरा जो है थोड़ा सा ऐसा ही गुजरा है। हम जो है नए घर पे भी गए थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई भी की, तो आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को तो मिल ही जाएगा, मैं क्या ही बता रही हूँ। तो बस यही मेरा आज का दिन था, कुछ ऐसा ही गुजरा है। और बस अभी जो है हुरैन को कुछ खिलाऊंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, तो उसको दूध वूध पिलाऊंगी। फिर उसके बाद जो है एक ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, एक ब्लॉग मुझे शूट भी करना है, और एक मुझे जो है वीडियो भी शूट करना है कोलैबोरेशन की। तो आज तो मेरा दिन सारा ऐसे ही गया है। तो और चीले बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। और दोपहर मतलब ऐसे इस टाइम पे अभी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें ना मतलब ऐसे सब्ज़ी वगैरह खाने का कोई भी मन नहीं हो रहा है। सब्ज़ी बनती ज़रूर है लेकिन वो फिक जाती है, मतलब बाहर गाय वाय को डल जाती, कोई नहीं खाता, इतनी महंगी सब्ज़ी आ रही है। सब्ज़ी किसी को पसंद ही नहीं आ रही, क्या करें, चाहे जितने अच्छे तरीके से बना ले सब्ज़ी कोई पसंद ही नहीं कर रहा है आजकल, तो सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ खा लें। तो बस आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बन रहा है अभी इस टाइम, मुझे बताना कमेंट करके। और फिर चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर देती हूँ, तो किचन से ही कर रही हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, तो हमें ज़रूर याद रखें।